हाउसिंग रिपब्लिक सोसाइटी पंचशील बैलिंगटन सोसाइटी में मौलवी द्वारा कारोबारी पर लिफ्ट में जय श्री राम नारे लगवाने के विवाद में पुलिस कार्यवाही पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त नाराजगी जताई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शुक्रवार को पीड़ित प्रजापति दंपति को जान से मारने की मिल रही धमकी के बाद परिवार से भेंट की। इस दौरान विधायक स्वयं पीड़ित परिवार के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में पहुंचे, SHO से बातचीत कर मामले को एक तरफा कार्यवाही और कारोबारी से पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार करने पर नाराजगी जताई। साथ ही परिवार द्वारा 10 लाख रुपए की कारोबारी से मांग और ना दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ये हमें SHO के द्वारा बताया गया कि मेरे पास एविडेंस है कि इन्होंने उसे उनका रास्ता रोका, जो भी यहाँ तथा कभी कोई मौलवी था। तो हमने कहा एविडेंस है तो अच्छी बात आप दिखाई, जबकि जो मैंने इनकी जो यहाँ मेंटेनेंस किए जो वहाँ के RWO के लोग हैं, जो वीडियो उन्होंने निकाली है वहाँ से, अलग जा रहा है, ये अलग है, कोई हॉट टॉक भी नहीं है, तो वो पूरी तरह फ्रॉड है। SHO के पास कोई एविडेंस नहीं है किसी तरह का। अब कह रहे हैं कि हमें तो किसी को नाम लिया किसी व्यक्ति का कि उस व्यक्ति ने बताया है। तो केवल 10 लाख रुपये की उसने वहाँ मांगे इनसे, केवल पैसे वसूलने के लिए एक तहरीर लेते हैं, या तो इनका धंधा है। जो मौलवी जो था वो सोसाइटी के रहने वाले ही हैं, और मौलवी आता है बाहर से, तो मौलवी को पकड़ना चाहिए ना, कौन है वो, नमाज पढ़ाने की बात कर रहा है, और जिस सोसाइटी को पढ़ाने की बात हो रही है वो भी डनाई कर रहे हैं। तो ये कौन था, 200 व्यक्ति उसमें आते हैं एक साथ ऊपर, किन किन फ्लैटों में जाते हैं, इसके लिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक जिहादियों का कोई ग्रुप है जो यहाँ टेररिज करके पुलिस से जिसकी मिलीभगत है, पूरे प्रकरण की जांच हो। जिन लोगों ने, एक उद्योगपति ने द्वारका से दिल्ली से आकर के यहाँ अपनी उद्योग लगाए, दो फैक्ट्री लगाई, मैंने योगी जी ने आह्वान किया कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, ये दो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति इसको 1:30 बजे जाकर के पुलिस ऐसे उठाती है जैसे गुंडा है। मान लिया इसने रोक ही दिया, पुलिस की बात मान ले कि न किसी को रोका भी कौन हो, ये पूछ लिया, ये तो कायदे में पूछना भी चाहिए, जबकि इनकी कोई बात हालांकि नहीं हुई है, लेकिन जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। केवल इतने करने पर रात के 1:30 बजे, क्या ये इतना बड़ा अपराधी थे, क्या ये इतने बड़े स्टेशन थे, इनाम बुला हुआ था। तो जो जिस तरह पुलिस ने किया, केवल 10 लाख रुपए के चक्कर में जो इस व्यक्ति के साथ जो शोषण किया गया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जेल में रहा, वहाँ भी लोग मारने को दौड़े, वह रात में इसको कैसे बचाए, उसके बाद छोड़ा गया। मैंने अधिकारियों से ऊपर भी बात करूंगा। आप ये बताइए, अभी 2 दिन पहले अखबार में परसों आपने पढ़ा होगा, एक इनाम बोलता है वो बेल करा लेता है उसमें, और उसके बाद पुलिस को पता नहीं कि बेल होगी, उठा करके 1 लाख का इनाम बोल देते हैं, सारी किरकिरी हो रही है। गाजियाबाद में एक अधिकारी ने पूरी पुलिस को केवल इस धंधे पर लगाया कि लूट करो, गरीबों को फंसाओ, इनका शोषण करो जनता का, और पूरी तरह से तरह तरह मच रही है। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, और मुझे उम्मीद है कि अब इसमें केवल हटाने से मतलब नहीं है, ये अधिकारी को कितने बड़ा हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, कानून सबके लिए बराबर है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये घटना इतनी गंभीर है कि तो कहा नहीं जा सकता कि पत्नी और बच्चे इतनी कॉल्स आ रही हैं उनको विदेश से और देश से, और सीधा इस बहन को मर्डर करने की बात कर रहे हैं। तो ये गाजियाबाद में बर्दाश्त नहीं होगा, पूरी व्यवस्था को चौपट करने का काम किया जा रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं।